हेलो दोस्त, मैं हूँ आदर्श विजयविंद, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस सैफ इटावा। तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं अटल बिहारी वाजपेयी, यानी कि अगर आप बीएससी नर्सिंग के फॉर्म भर चुके हैं या नहीं भरे हैं, तो आज हम आपको बताने वाले हैं आज कि आपका जो लास्ट डेट है वो आज ही है, क्योंकि अगर अभी तक आप फॉर्म नहीं फिल किए तो आज लास्ट डेट है, प्लीज़ आप फॉर्म फिल कर दीजिए। इसके अलावा आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप इस बार की कट ऑफ एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ होगी वो कितनी जा सकती है, लास्ट ईयर की कितनी कट ऑफ गई हुई थी और कितनी सीटें हैं बीएससी नर्सिंग के जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यानी कि केजेएमयू और एबीएमयू की दोनों यूनिवर्सिटी मिलाकर एग्ज़ाम करा रही हैं, तो इनमें कितनी गवर्नमेंट सीटें हैं, प्राइवेट कितनी सीटें हैं, कितने क्वेश्चंस हैं वो आपको इसमें क्लियर करेंगे, वो कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट में आपको आप लाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, और आपका कितने मार्क्स होने चाहिए और कितने क्वेश्चंस हैं, तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ कि जो बहुत से सारे बच्चों का कन्फ्यूजन रहता है वो मैं वीडियो में सॉल्व करने वाला हूँ। तो वीडियो लास्ट तक देखना, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, शेयर कर देना, और आपको हम बता और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ भी मैं अपडेट देता रहता हूँ। इसके अलावा हमारा इंस्टा भी ज्वाइन कर लो, अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम तो हमें वहाँ पे हमें डीएम करिए, आपका कन्फ्यूजन दूर कर देंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे वो उसका मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, ये आप देख रहे हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं ऑलरेडी हूँ। यहाँ से डाउनवर्ड स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ एप्लीकेशन फॉर बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस, ठीक है। पहले क्या थी, 15 जुलाई लास्ट डेट थी, लेकिन दो दिन के लिए डेट बढ़ा दिया गया है, तो 17 जुलाई यानी कि आज लास्ट डेट है। देख लीजिए यहाँ पे 17 जुलाई 2022 आज लास्ट डेट है। अगर अभी तक आप फॉर्म नहीं फिल किए तो फिल कर सकते हैं, आपके लिए चांस है कि आज शाम को 5 बजे तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो एग्ज़ाम आने वाले हैं क्वेश्चंस वो 200 क्वेश्चन हैं, ठीक है, 200 क्वेश्चन आने वाले हैं और 5 सब्जेक्ट्स हैं। तो 5 सब्जेक्ट्स हैं यानी कि आपको दिखा देते हैं, चलिए हम आपको प्रॉस्पेक्टस में ही दिखा देते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन जो है, एग्जामिनेशन डेट जो आपको 31 जुलाई आपको जो नया जो प्रॉस्पेक्टस रिलीज हुआ है उसमें 31 जुलाई दे दिया गया है। टाइम जो है 11 से 2 है, यानी कि 3 घंटे का है, 180 मिनट का टाइम है। रिपोर्टिंग टाइम आपको जो है आपको आधे घंटे पहले ही यानी 1 घंटे पहले ही आपको वहाँ पे रिपोर्ट करना पड़ेगा। उसके अलावा हम आपको बता दें, जो लखनऊ में ही आपका एग्ज़ाम सेंटर है, तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो 200 क्वेश्चन हैं, ठीक है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, ठीक है। इसके अलावा इंग्लिश में होगा, पेपर जो है इंग्लिश में होगा। इसमें आपको ये प्लस पॉइंट है कि आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, इसलिए आपकी मेरिट थोड़ा हाई जा सकती है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, सभी क्वेश्चन करके आना है। अब आपको बता दें, जो सिलेबस है आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, ठीक है, ये इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड पर आपके आने वाले हैं कि 20-20% या 20-20% यानी कि सभी क्वेश्चंस आएंगे, सभी सब्जेक्ट्स 20-20% यानी कि 40-40 क्वेश्चन सभी जो पांचों सब्जेक्ट हैं, नर्सिंग एप्टीट्यूड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, ठीक है, इनमें से 40-40 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो 40 क्वेश्चंस में कितना आपको लाना है ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए, तो वो हम आपको बताने वाले हैं। इससे पहले मैं बता दूं आपको कि जो टोटल सीट हैं गवर्नमेंट की, टोटल सीटें जो हमें वो लगभग 1900 सीटें हैं, ठीक है, लगभग 1900 सीटें हैं जो कि गवर्नमेंट सीटें हैं। उसके अलावा जो 8000 लगभग प्राइवेट सीटें हैं। तो प्राइवेट सीटों की मैं पहले बात करूंगा। प्राइवेट सीट में अगर आपका जैसे 200 नंबर में से अगर आप 50 नंबर हैं, 80 नंबर है, 70 नंबर हैं, आपको प्राइवेट में जो है आपका एडमिशन हो जाएगा, बट आपको गवर्नमेंट सीट के लिए आपको 140 प्लस नंबर लाने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप 140 प्लस नंबर लाएंगे तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगा। रीज़न यह है कि पहले क्या होता था, अलग अलग कई यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कराती थी, जैसे कि CPP नेट का एग्ज़ाम होता था बीएससी नर्सिंग के लिए, ठीक है, तो बीएससी नर्सिंग CPP नेट हो गया, KGMU का अलग से होता था, ठीक है, ABMU अलग अपना पिछली बार कराई हुई थी कई यूनिवर्सिटी मिला के, तो इस तरह से कई पिछली बार कई यूनिवर्सिटी मिला के एग्ज़ाम कराई, तो बच्चे जो है सभी फॉर्म नहीं फिल किए थे। लेकिन इस बार क्या है, यूपी में केवल एक एग्ज़ाम हो रहा है बीएससी नर्सिंग के लिए, तो इसलिए इस वजह से जो है बीएससी नर्सिंग के लिए केवल एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जा रहा है, तो सभी स्टूडेंट जो है फॉर्म फिल कर चुके हैं, तो इसमें क्या होगा, थोड़ा सा रैंक जो है हाई जाएगी पिछली बार की तरह,
पिछली बार से थोड़ा इस बार हाई रैंक जाने वाली है। 140 प्लस आपको नंबर लाने होंगे तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज में बीएससी नर्सिंग मिल पाएगा। तो ये आपको बहुत ज़रूरी है, ध्यान देना। जब भी आप क्वेश्चन जाए तो थोड़ा सोच समझ कर पेपर लिखें, ठीक है। पेपर जो है इंग्लिश में होगा, कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के होंगे तो वो छट जाएंगे, इंग्लिश पेपर होगा क्योंकि उनको इंग्लिश कम समझ में आएगी। ये भी आपके लिए प्लस पॉइंट है अगर आपको इंग्लिश आती है तो। अगर आप प्रिपरेशन किए हुए हैं तो आपको लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो आप ये समझ गए होंगे कि कितना क्वेश्चन लाना है कितना नहीं, ये आपको बता दें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैटेगरी वाइज हम बताएंगे डिटेल में कि आपको किस कैटेगरी में कितने नंबर होने चाहिए तो आपको जो है बीएससी नर्सिंग मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो आएगा तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, शेयर कर दिए अपने दोस्तों। हमारा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही।